बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रामबाबू चिरगैया जी आज ग्राम बासार में घटना स्थल पर जानकारी लेते हुए। मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष रामबाबू चिरगैया। ये बासार गांव में जो विगत दिनों घटना घटी है, तो मौके पर आज माननीय उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री माननीय रतनलाल अहिरवार जी के साथ और अपने कार्यकर्ता जो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं संतराम भटपुरा समीम भाई और प्रताप बौद्ध विधानसभा पूर्व अध्यक्ष हैं रामाधर जी और सेक्टर अध्यक्ष अनिरुद्ध भाई विधानसभा संयोजक अपने रामलखन गौतम और इमरान भाई के साथ और हमारे ये पार्टी के कार्यकर्ता राजेश भाई सभी लोग यहाँ मौके पर हम लोग आए हैं और पीड़ितों का को देखा है मौके पर। तो हमने जाकर देखा तो पीड़ित बहुत झुलसे हुए हैं। 5 पीड़ितों की तो बहुत गंभीर हालत है और कम से कम 30-35 लोग और झुलसे हुए हैं, जिसमें 2-3 साल के बच्चे हैं। ऐसी घटना तो हमने आज तक नहीं देखी है, बहुत गंभीर घटना है। और इस घटना को मैं जो मुकदमा तो कायम हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें जो लोग और भी अगर सम्मिलित हैं तो हम अधिकारियों से मिलेंगे और पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। चाहे इसमें हम बहुजन समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी तन मन धन से सभी पीड़ितों के साथ खड़े होकर न्याय दिलाने का काम करेंगे और हम सब पीड़ितों के साथ हैं पार्टी के पदाधिकारी। कैमरा घुमा इसमें धारा बढ़ती 304 भी 304 भी है। 304 भी बढ़ जाती है, वो 302 होती है। 304 भी का मतलब है कि हमने अटैक किया। मंत्री जी, आप बसार गांव आए हैं, ये किस मामले को लेकर आए हैं आप यहाँ? माननीय पत्रकार महोदय जी, ये जो बासाड़ गांव में घटना घटी है आज से 3-4 दिन पहले, कौन सा दिन था भाई? मंगलवार को 25 तारीख को रूप सब कुछ बिगाड़ दिया। तेजाब हम पहली घटना देख रहे हैं कि 40 लोगों पर तेजाब फेंका गया है और ये बहुत बड़ी घटना है। इसमें तो सरकार को कम से कम इन लोगों के पक्ष में कुछ ना कुछ निर्णय लेना चाहिए। उनको जिन्होंने मारपीट की है, जिन परिवारों ने लड़ाई लड़ी है, उनको जेल में भेजना चाहिए। दूसरी बात, सरकार को इन 40 परिवारों को मुआवजा देना चाहिए। और चूंकि दलित वर्ग के लोग हैं, इसलिए सरकार नहीं सुनेगी, लेकिन हम इनसे वादा करते हैं कि चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, चाहे ससुर में जेल में डाल दें, लेकिन हम ये मामला लखनऊ तक ले जाएंगे। और जब लखनऊ में नहीं निपटेगा तो हम इसको सीधा दिल्ली तक ले जाएंगे और दिल्ली के बाद इसके बाद फिर हम राष्ट्रपति तक ले जाएंगे। मतलब पीड़ितों को न्याय दिलाने में हर संभव मदद करेंगे आप? इनको न्याय दिलाने में हर संभव मदद करेंगे। चलो अच्छा है, जो जितना भी मिले वो मदद मिल जाएगी। नहीं, हम लोग करेंगे, उसमें प्रयास करेंगे, जो भी है और सब करेंगे। कागज जो है मेडिकल 2-4-5 लोग वहाँ पे हैं जहाँ से उनको अभी 40-42 हज़ार रुपया लग गया आंखों में। बिल्कुल लग गया होगा, तो वो पर्चा सब बनवा लियो ना, बिल्कुल कागज रखना, क्योंकि जब अपन वो करेंगे ना क्लेम तो उसमें मुआवजा देंगे। फोटो कॉपी करा देते हैं, नहीं करवा देंगे, यही हो जाएगा, करवा दो भैया।